हेलो दोस्तों, मैं सीमा, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे का पराठा। इसके लिए मैंने दो अंडे लिए हैं, एक प्याज है इसको चॉप कर लिया है, दो हरी मिर्च लिया है जिसको मैं बारीक बारीक काट लूंगी। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो मिर्च को आप स्किप कर सकते हो, इसकी जगह हल्की सी लाल मिर्च ऐड कर सकते हो। अब एक बाउल लेंगे, उसमें अंडे को डाल लेंगे। बहुत टेस्टी बनने वाला है ये हमारा अंडे का पराठा, और बहुत जल्दी सर्दियों में अंडे का पराठा खाने का मजा ही कुछ अलग है। अभी इसमें हम प्याज ऐड कर लेंगे, हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। अंडे में नमक का ही टेस्ट होता है, इसलिए कम ही हम नमक डालेंगे। काली मिर्च, और हल्के से इसे फेंट लेंगे, ज़्यादा हमें नहीं इसको फेंटना है। थोड़ा सा गरम मसाला। अब हमारा ये तैयार हो गया है। अभी हम एक गोल रोटी बना लेंगे। आटा हमें नॉर्मल ही बनाना है, ऐसा नहीं है ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा टाइट। अच्छे से गोल रोटी बन चुकी है, इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। घी का ही प्रयोग करना है आपको इसमें। अब ये मेल्ट नहीं किया है, जब हम इसे तवे पर डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा इधर भी हम घी डाल लेंगे। इसके आधे पार्ट पर भी घी लगा देंगे, और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा आटा और डाल के इसको बेल लेंगे। इसे बेलना बहुत आसान है। अच्छे से हमारा पराठा बेल चुका है। रोटी को अच्छे से सेक लेंगे पहले। अभी दूसरी तरफ से पलट लेंगे। अच्छे से हमारी रोटी फूलने लग जाएगी। आप देख सकते हो कितने अच्छे से फूल गई है। अभी हल्के से इसके पार्ट को खोल लेंगे। कितने आसानी से आराम से ही पार्ट खुल गया है। इसे ऐसे साइड में कर देंगे। थोड़ा जो हमने एग को फेटा था इसको डालते जाएंगे, और धीरे धीरे फैलाते जाएंगे। इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। यहाँ हमें गैस को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं। अब इसके पार्ट को लेंगे और ऐसे हल्के से बंद कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पराठे के साइड में घी डाल देंगे, जिससे चारों तरफ घी लग जाए अच्छे से।
अभी हल्के से इधर से पलट देंगे। क्रिस्पी और टेस्टी हमारा पराठा बनकर तैयार होगा। यहाँ हमारा काफी टेस्टी और क्रिस्पी पराठा एक पराठा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको उतार लेते हैं। इस तरह से अंडे का पराठा बनाइए और मजे से खाइए। सर्दियों में इसे खाने का मजा ही अलग है और काफी टेस्टी बनता है। आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी बना है। बच्चे एंजॉय करके खाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।